गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बेटा, आज हमारा टॉपिक क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड्स 10th क्लास में भी पढ़ाया आपने, ठीक है बेटा। जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं इनको हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बेटा, इनका यूज़ हम क्यों करते हैं? इनका यूज़ हम प्रिवेंशन के लिए करते हैं, फॉर प्रिवेंशन। किस चीज़ से प्रिवेंशन? प्रिवेंशन प्रिवेंट, ये क्या करते हैं? प्रिवेंशन थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी। जब किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो एक आइडियल, मतलब एक जो अच्छा कंट्रासेप्टिव है बेटा, उसके फीचर्स क्या होंगे? तो अगर हम आइडियल कंट्रासेप्टिव की बात करें, आइडियल कंट्रासेप्टिव फीचर्स, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या हैं? नंबर वन तो वो क्या होगा? यूज़र फ्रेंडली होगा, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? कि इजीली अवेलेबल होगा, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, इफ़ेक्टिव होगा, मींस बचाएगा अनवांटेड प्रेगनेंसी से, ठीक है। फोर्टीन्थ, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नो साइड इफ़ेक्ट्स, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका, ठीक है। और ये क्या है कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, ये बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिज़ायर एंड एक्ट, ठीक है। तो बेटा वो क्या होगा? एक आइडियल, एक अच्छा कंट्रासेप्टिव होगा, ठीक है। तो जो कंट्रासेप्टिव मेथड है बेटा, उनको कुछ कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। अगर हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करें, फ्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ, बर्थ कंट्रोल मेथड बेटा दो टाइप के होते हैं वैसे। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। जो नेचुरल है बेटा, हमारे नेचुरल कौन से होते हैं? जो कि नेचर के थ्रू हमें मिले, ठीक है। तो नेचर फर्दर क्लासिफाई है। नेचुरल में आएगा बेटा पीरियोडिक, एब्सिटेंस, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है, और है हमारा इसमें विड्रोल और कोटियस इंटरप्ट्स। विड्रोल और कोटियस इंटरप्ट, ये जो मेथड है बेटा, ये हमारे नेचुरल में आते हैं, ठीक है। जबकि बेटा अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, तो आर्टिफिशियल में बेटा हमारे आते हैं बैरियर मेथड्स, ठीक है। दूसरे हैं बेटा IUDs, IUD क्या होते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। थर्ड वन इज ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज सर्जिकल मेथड, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम। तो बेटा अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स और जो नेचुरल मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर हम नेचुरल मेथड्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करें? नेचुरल मेथड्स की अगर बात करें, तो जो नेचुरल मेथड हैं बेटा, ये किस प्रिंसिपल पे बेस हैं? ये प्रिंसिपल पे बेस हैं कि अवॉइडिंग चांसेस पे। किस पे बेसिस हैं? अवॉइडिंग चांसेस पे बेसिस हैं, ठीक है। किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं? ओवम एंड
फर्म मीटिंग पे, या कह ये कह सकते हो फ्यूज़न को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करें, उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल मेथड्स कहते हैं, ठीक है। नेचुरल में हमारा फर्स्ट क्या था, पेरियोडिक एब्सिटेंस, ठीक है। तो पेरियोडिक एब्सिटेंस क्या है बेटा, कि कपल्स को इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, कब तक, 10 to 17 days। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो 10 to 17 days का जो टाइम पीरियड है बेटा, उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है 10 to 17 days, ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन पीरियड को जब हम, इस दौरान क्या है, ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा हमारा, सेकंड है विड्रोल एंड कोटियस इंटरप्ट, ठीक है। विड्रोल और कोटियस इंटरप्ट में क्या है बेटा, कि जब सीमन इजेक्यूलेट होने वाला होता है पेनिस के थ्रू, ठीक है, तो सीमन के इजेक्यूलेशन को कहाँ पर ना किया जाए, वजाइना में ना किया जाए, ठीक है। इनसेमिनेशन पढ़ा था ना हमने, इनसेमिनेशन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स थ्रू मेल पेनिस किसके अंदर, वजाइना के अंदर, वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर। तो बेटा उससे अगर क्या हो कि उन सीमन को वहाँ पर ना इजेक्यूलेट किया जाए, बल्कि वजाइना से बाहर उसको इजेक्यूलेट किया जाए, तो उसे, उस मेथड को हम क्या कहेंगे, विड्रोल और कोटियस इंटरप्ट कहेंगे। समझ आया क्या है, कि विड्रो पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन, मतलब सीमन इजेक्यूलेट होने से जस्ट पहले क्या कर लेना चाहिए, पेनिस को बाहर निकाल लेना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, इनसेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। थर्ड वन क्या है बेटा, थर्ड इसका जो पार्ट है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया बेटा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता है कई बार, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, कि बेटा जब क्या होता है, डिलीवरी होती है, बेबी होता है, तो बेबी के बाद में कुछ टाइम के लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कई जो वुमेन्स होती हैं उनको नहीं होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। और कईयों को ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद होती है, जैसे किसी को 6 मंथ्स डिले हो गए, किसी को 2 मंथ्स डिले होकर के आ रही हैं, कईयों को कई कई साल नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, लैक्टेशनल एमिनोरिया मींस जब तक क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, मिल्क फीडिंग करता है, उस टाइम तक बेटा ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, निल होते हैं, ठीक, क्या है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन निल, ठीक है, कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। लेकिन बेटा इसके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक बेबी हुआ, कुछ टाइम के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहते हैं ना कि ऊपर नीचे के बच्चे हो गए, ठीक है, मतलब एक बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही दूसरा भी हो गया, ठीक है। तो बेटा वो क्या होता है, वो लैक्टेशनल एमिनोरिया की वजह से ही है, ठीक है, मतलब इसके फेलियर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें नहीं पता चलता, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक साइन क्या है, सिंबल क्या है, हमें कैसे पता चलता है, जब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, बंद हो जाती है, तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी है। तो बेटा अगर मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से, पार्चुरेशन की वजह से वैसे ही बंद हो गई है, तो उस टाइम पीरियड पे अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं, ठीक है।
अब बेटा ये तो थे नेचुरल मेथड्स, अब बात करते हैं हमारे सेकंड आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। तो आर्टिफिशियल में हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है बैरियर मेथड्स। बेटा देखो वैसे तो आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिहाफ पे अगर कोई क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया जाए, डीपली पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप जितना लिखना चाहो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने आपको नोट्स बना के भेजे, 5 नंबर का क्वेश्चन है मैंने 5 पेज भेज दिए तो आपको 5 ही याद करने और 5 ही लिखने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बोर्ड में आप 5 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बेटा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैं बता रही हूँ वो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आपको पुट हो सकते हैं। तो बेटा जो बैरियर मेथड हैं, बैरियर मेथड क्या करते हैं बेटा, ओवम एंड स्पर्म के बीच में एक बैरियर लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा हम इन मेथड को क्या कहते हैं, बैरियर मेथड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब फिजिकल मेटिंग जो है किसकी, ओवम और स्पर्म की, उसको ये रोक देते हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स में क्या आता है बेटा, हमारा फर्स्ट है कॉन्डोम, ठीक है। अगर कॉन्डोम की बात करें तो कॉन्डोम कौन यूज़ करते हैं, मेल के थ्रू यूज़ की जाती है, ठीक है। बैरियर मेथड है किस चीज़ से बना हुआ है बेटा, ये बैरियर रबर का बना हुआ है, ठीक है, रबर और लेटेक्स सीट, किस चीज़ से बना है, रबर और लेटेक्स शीट से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, कवर करता है पेनिस को और वजाइना को और सर्विक्स को फीमेल के, ठीक है। मींस कॉन्डोम ओनली मेल कॉन्डोम नहीं होते, फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं। तो जो मेल कॉन्डोम होता है बेटा वो किसको, पेनिस को कवर करता है, जो फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वजाइना और सर्विक्स को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। और किससे प्रिवेंट करते हैं बेटा, प्रिवेंट थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, और बेटा किससे प्रिवेंट करता है, मेटिंग से भी, फर्टिलाइजेशन से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्डोम्स इज यूज्ड थ्रू, ठीक है, कॉन्डोम्स कहाँ किस पार्ट पे यूज़ की जाती हैं, जैसे आपको दे दिया सर्विक्स दे दिया, वजाइना, पेनिस, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि, या फिर ऑल ऑफ द अबव दे दिया, तो बेटा अब हम सोचेंगे कि जो मेल है वही कॉन्डोम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मेल, बट क्या है, फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर वहाँ पर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ना ज़रूरी है। सेकंड क्या है बेटा इसके अंदर, डायफ्रागम्स, जो डायफ्रागम्स हैं बेटा, डायफ्राम्स क्या होते हैं, ये डोम शेप के होते हैं, इनकी शेप याद रखनी है, डोम शेप्ड है, ठीक है, डोम शेप्ड बाउल, ठीक है, किससे बनी हुई है, मेड ऑफ थिन फ्लेक्सिबल सिलिकॉन से बनी है, किससे बनी है, सिलिकॉन शीट से बनी हुई है, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, क्या करती है, कवर करती है किसको, सर्विक्स पार्ट को, ठीक है, किससे, स्पर्म से, ठीक है, और एग को फर्टिलाइज होने से प्रोटेक्ट करती है जो डायफ्रागम होती है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, सर्वाइकल कैप्स की, नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल कैप्स मीन्स सर्विक्स पे लगने वाली कैप। तो ये जो है बेटा ये क्या है, लिटल कप शेप होती हैं, लिटल कप मेड फ्रॉम किस चीज़ से बने हुए हैं, मेड फ्रॉम सॉफ्ट सिलिकॉन से, किससे बने ये, सॉफ्ट सिलिकॉन से, ठीक है। और शेप कैसी है इनकी, शेप लाइक आ सेलर्स हेट, ठीक है, कैसी शेप है, सेलर्स हेट के जैसी शेप है। यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो सकता है आपसे, ठीक है, कि सेलर्स हेट शेप किसकी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, या सर्विकल कैप की शेप पूछी जा सकती है, ठीक है। तो बेटा कैसी शेप है, सेलर्स हेट के जैसी शेप है, ठीक है। इसको कहाँ पर पुट किया जाता है, डीप इनसाइड द वजाइना, वजाइना के अंदर डीपली इसको
पुट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है बेटा, कवर करती है किसको, सर्विक्स को, ठीक है। सर्विक्स को कवर करने के बाद बेटा ये क्या करती है, जो एग और स्पर्म की जो मेटिंग है उसको रोक लेती है, ठीक है। तो इसको हम स्पर्मिसाइड भी कह सकते हैं। स्पर्मिसाइड का मतलब क्या है, साइड का मीन्स डेथ, स्पर्म की डेथ, ठीक है। तो स्पर्म को मार देती है, स्पर्म को किल कर देते हैं स्पर्मिसाइड, ठीक है। तो अगर बेटा इनका यूज़ किसके साथ में किया जाए, क्रीम और जेल के साथ में यूज़ किया जाए, तो ये क्या करती हैं, स्पर्मिसाइड का काम करती हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हमारा वोलेट्स, इसके अंदर बैरियर मेथड में नेक्स्ट क्या है, वोलेट्स। वोलेट्स कैसे होते हैं बेटा, रबर से बने हुए होते हैं, मेड ऑफ रबर, ठीक है। और बेटा ये कैसे हैं, कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। और किसको कवर करते हैं, ये भी सर्विक्स को कवर करते हैं, और प्रिवेंट करते हैं एंट्री की, किसकी एंट्री, स्पर्म की एंट्री, कहाँ, किसके अंदर, एग के अंदर, एग को फर्टिलाइज होने से बचाते हैं, ठीक है। तो बेटा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज किस लिए, दीज बैरियर्स इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, क्या करते हैं ये, इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये थे बेटा बैरियर मेथड्स। अगर हम बैरियर मेथड्स की एडवांटेज की बात करें, बेनिफिट क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगी बैरियर मेथड की, तो ये डिस्पोजेबल हैं बेटा, सबसे बड़ी बात दे आर डिस्पोजेबल, एक बार यूज़ करके इनको डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड बेटा दे आर सेल्फ इंसर्टेड, क्या है, सेल्फ इंसर्टेड है, किसी दूसरे की हेल्प की नीड नहीं है, ठीक है, मतलब किसी डॉक्टर की नीड नहीं है। तीसरा है बेटा दे आर रीयूजेबल, कैसे हैं, रीयूजेबल हैं, इनको फर्दर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को, क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ठीक है। ये इसके बेनिफिट हैं, ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्या, हमारे आईयूडीज क्या होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं बेटा, इन डिवाइसेस को, मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ डिवाइस हैं उनको बेटा यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, किसके थ्रू इम्प्लांट करेंगे, यहाँ पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर की नीड होती है, किसकी ज़रूरत है, एक क्वालिफाइड ट्रेन नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जो क्या करता है, इन डिवाइसेस को फीमेल यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। तो ये बेटा तीन टाइप के हैं हमारे पास, ठीक है। तीन टाइप में कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बेटा नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर आते हैं बेटा लाइप्स लूप, ठीक है। सेकंड है बेटा हमारे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, मतलब जो क्या करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर आयंस कौन रिलीज करेगा, कॉपर टी, ठीक है, CU7 कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ठीक है, ये इसमें यूज़ होते हैं। अब बेटा जो थर्ड टाइप है इसकी, थर्ड क्या है, हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडीज,
ठीक है, क्योंकि बेटा प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, हॉर्मोन्स का होता है, ठीक है। तो अगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम एक एक करके इन सारों को पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स वाले में क्या पढ़ना है हमें, LNG20 एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन। अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर टी की, कॉपर टी की बात करते हैं। जो कॉपर टी है बेटा, कॉपर टी क्या है, टी शेप्ड है, टी शेप्ड क्या है, प्लास्टिक एंड कॉपर डिवाइस है, क्या है, कॉपर टी क्या है, टी शेप्ड प्लास्टिक एंड कॉपर डिवाइस है, ठीक है। क्या रिलीज करती है, रिलीज कॉपर आयंस, CU आयंस रिलीज करती है, कहाँ पर, इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब बेटा इसके पास ये क्या करती है, इसके अंदर फाइन नायलोन, नायलोन स्ट्रिंग अटैच होता है। कॉपर टी कैसी होती है बेटा, इस शेप की होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग होता है, तो नायलोन स्ट्रिंग अटैच्ड इट, ठीक है, विच कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स, कहाँ से निकलेगा वो, विच कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स की एंट्री कहाँ, ओपनिंग कहाँ होती है, जा करके सर्विक्स ओपन इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा, जो स्पर्म और एग की जो मीटिंग है उनको, वहाँ पर जो यूट्रस की जो लीनिंग्स है उनको चेंज कर देती है, ठीक है। और ये कितना टाइम तक प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकती है, 5 से 10 साल तक प्रेगनेंसी से बचा सकती है, ठीक है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, ठीक है, सबको शूट नहीं करती है कॉपर टी, कईयों को एब्डोमन पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कईयों को जो कॉपर टी होती है बेटा वो यूट्रस से ऊपर चली जाती है, ठीक है, स्वेलिंग रहने लग जाती है वजाइना पे, तो मतलब बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सेकंड क्या है बेटा हमारा, सेकंड है मल्टी लोड, मल्टी लोड कैसी होती है, ऐसी होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी पिंस होती हैं जो मल्टी लोड होती है, तो मल्टी लोड भी IUD है, ठीक है, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कंट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। ये कैसी है, स्मॉल प्लास्टिक रोड है, ठीक है, प्लास्टिक रोड है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेम कहते हैं, क्या कहेंगे, स्टेम, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर स्टेम के साथ में दो फ्लेक्सिबल आर्म होती हैं, ये क्या है, फ्लेक्सिबल आर्म, तो टू फ्लेक्सिबल आर्म्स, ठीक है, और क्या है, प्लास्टिक, ये जिस प्लास्टिक से बने हुए हैं, ये प्लास्टिक कैसा है, प्लास्टिक इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, इथाइलीन विनाइल एसीटेट कोपोलीमर एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर के बनी है, ठीक है। अगर हम इनके रेशियो की बात करें बेटा, तो इनका रेशियो कितना है, 44:36:20, ठीक है, ये इनका वेट रेशियो है, ठीक है। अब बेटा एक जो कॉपर की वायर होती है, एक कॉपर वायर इनके सराउंडिंग में ऐसे क्या होती है, कॉइल्ड होती है, ठीक है, क्या है, अ कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड द स्टेम, स्टेम के चारों तरफ क्या होती है, कॉपर की वायर बंधी हुई होती है, ठीक है, जिससे नायलोन थ्रेड अटैच होता है, नायलोन थ्रेड अटैच विद टू एंड, कहाँ पर, बॉटम
एंड ऑफ द स्टेम। ठीक है, अब बेटा ये जो मल्टी लोड है, मल्टी लोड के टाइप्स हैं, जैसे कि मल्टी लोड CU250 है। ठीक है, मल्टी लोड CU375 है। ठीक है, ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं। अगर 250 की बात करें बेटा, तो 250 क्या है, ये कॉपर वायर है होती है इसके अंदर, कहाँ पर, इसके सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, 250 स्क्वायर मिलीमीटर्स का होता है। इसका जो सरफेस एरिया है 250 स्क्वायर मिलीमीटर का होता है। ठीक है, अगर 375 की बात करें तो बेटा ये थिक कॉपर वायर से बनी हुई होती है। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होता है, 375 स्क्वायर मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 375 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, अब बेटा ये जो है 250, ये तो कितने साल तक काम करती है, 3 साल तक काम आती है। ठीक है, 3 साल तक प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करती है, जबकि जो मल्टी रोड है बेटा ये 5 ईयर्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये थे हमारे IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारे ओरल पिल्स। ठीक है, ओरल का मतलब क्या होता है बेटा, ओरल कैविटी हम किसे कहते हैं, बकल कैविटी माउथ को। ठीक है, तो ओरल पिल्स मतलब जो चीज़ें माउथ के थ्रू जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरल कहते हैं। ठीक है, और टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं तो टैबलेट को हम क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये किस चीज़ से बनी हुई होती हैं, दे आर प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन क्या है, कॉम्बिनेशन है इनका। ठीक है, फीमेल्स के थ्रू यूज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, अब बेटा ये क्या करता है, ये जो टैबलेट्स हैं ये इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है बेटा, ये अलग अलग क्वालिटी की होती हैं जो टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, कुछ टैबलेट्स ऐसी आती हैं जो कि वजाइना में रखी जाती हैं टैबलेट, तो वो क्या करती है, स्पर्म की एंट्री से प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो कई तरह की टैबलेट्स हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि कईयों के नाम भी सुने होंगे, जैसे मालाडी है जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली है, मेन नाम बता रही हूँ मालाडी। ठीक है, या फिर सहेली है, ये नाम सभी ने सुने हुए होंगे। ठीक है, ये ओरल पिल्स हैं। ठीक है, अब बेटा जो पिल्स हैं, पिल्स जैसे कि कुछ जो पिल्स हैं जैसे सहेली है, डेली ली जाती हैं। ठीक है, कब, जो ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड को छोड़ करके, मतलब वो जो 5-6 डेज होते हैं उनको अवॉइड करके, उसके बाद कंटिन्यूसली 21 डेज तक लेनी होती है। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है बेटा, जैसे कि सहेली है, सहेली इज अ नॉन स्टेरॉयड है, ये नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। ठीक है, जो मोस्टली फीमेल के थ्रू यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बेटा कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो कि इमरजेंसी में यूज़ की जाती हैं, इमरजेंसी में मीन्स 72 आवर्स तक वो अपना इफेक्ट दिखाती हैं। तो प्रोजेस्ट्रोन अकेला, और अगर कम्बिनेशन की बात करें इसकी एस्ट्रोजन के साथ में, तो इनका यूज़ एज अ इंजेक्शन के थ्रू और इम्प्लांटेशन के थ्रू, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोटियस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कहते हैं।
ठीक है। अब इनका यूज़ कब किया जाता है, इन पिल्स का यूज़ बेटा प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन सी प्रेगनेंसी को, अगर किसी का रेप हुआ हो, ठीक है, तो रेप के टाइम पे अगर चांसेस लग रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या किया जाता है, ये टैबलेट्स उसको दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, ठीक है, रेप में और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। अब बेटा लास्ट जो है हमारा फोर्थ टाइप आर्टिफिशियल का, वो क्या, सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। ये तुमने टेंथ में पढ़े हैं, एज इट इज़ हैं, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा। इसके अंदर हमारे इन जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन मेथड, क्या कहते हैं इसको हम, स्टरलाइजेशन मेथड्स, ठीक है। और इनका यूज़ कैसे किया जाता है बेटा, थ्रू सर्जरी, ठीक है। मेल या फीमेल का कोई पार्ट, ठीक है, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, थ्रू सर्जरी। तो बेटा इसमें सर्जिकल में हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं हिस्ट इरेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी तो आपने पहले भी पढ़े हैं, मे बी हिस्टरेक्टोमी आपके लिए न्यू होगा। तो ट्यूबेक्टोमी होता है बेटा फीमेल्स में, ठीक है, वैसेक्टोमी होता है मेल्स में, और हिस्टरेक्टोमी भी होता है फीमेल्स में, ठीक है। जो ट्यूबेक्टोमी है बेटा, इसमें क्या किया जाता है, जो मीन्स ये जो फैलोपियन ट्यूब वाला जो पोर्शन है, इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, और टाई कर दिया जाता है। क्या करते हैं, कट एंड टाई अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्यूबेक्टोमी मेथड कहते हैं, ठीक है। और बेटा दूसरा क्या है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल्स में होता है, तो इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस ट्यूब इज रिमूव एंड टाई, ठीक है, टाई अप थ्रू स्मॉल इंसीजन। इंसीजन क्या होता है बेटा, घाव, कट, ठीक है, उसके थ्रू कहाँ पर, स्क्रोटम पे डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ से क्या हो, स्पर्म्स की जो स्पर्म रिलीज जो हो रहे हैं स्क्रोटम से, वो बंद हो जाए, ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी मेथड कहते हैं, ठीक है। हिस्टरेक्टोमी किसे कहते हैं बेटा, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टरेक्टोमी। बच्चादानी निकलवा लेते हैं ना, कुछ लोग सुना होगा, कॉमन लैंग्वेज में बच्चादानी कहा जाता है यूट्रस को। तो जो हिस्टरेक्टोमी है बेटा, उसमें क्या किया जाता है, बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है, मतलब यूट्रस को कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। जब वोम्ब नहीं होगा तो बेटा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाएगी तो जायगोट इम्प्लांट कहाँ जा करके होगा, ठीक है, जायगोट के इम्प्लांटेशन के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, आपके हरियाणा बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है बर्थ कंट्रोल का, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया से बनता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। और बेटा जो आपके नीट वगैरह के एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जैसे कि कॉपर टी में किस चीज़ से बनी हुई है, क्या काम करती है, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें इनको याद रखना है, कॉपर टी कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लोड कितने टाइम के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पुट हो सकता है, ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है।